और कपालभाति किया, पेट का कैंसर अच्छा हो गया। अब पेट के कैंसर से अभिप्राय लीवर का कैंसर, आंतों का कैंसर, स्टमक का कैंसर, और ये इसके उदाहरण मेरे पास में बहुत बड़ी संख्या में है। मुझे भी किसी ने बताया था, मैंने आगे किसी को बताया, उसने किया और ये पाया कि इससे तो सच में पेट का कैंसर भी अच्छा हो जाता। अब मणिपुर चक्र से पूरे शरीर का संबंध है। जब हम मां कोख में होते हैं तो नाभि नाल के माध्यम से ही पूरे शरीर का पोषण होता है और पूरे शरीर का निर्माण होता है, पूरे शरीर में शक्ति का संचार होता है। इसलिए योग दर्शन भी महर्षि पतंजलि ने कहा, नाभि चक्रे काय विभजनम्। ये शरीर का जो की पूरी जो व्यूह रचना शरीर चक्र है वो नाभि चक्र से चलता है।